अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद अली मकान सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से। वैसे तो हम पाकिस्तानी अपना हर नेशनल डे बहुत ही जोश और जज्बे से मनाते हैं, बट मेजॉरिटी लोगों को हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता। मतलब उनको ये तो पता होता है कि हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है उसके बारे में वो नहीं जानते। वैसे अमूमन आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, हम अपनी वीडियोज़ में आपको इन सोसाइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं, बट आज की वीडियो का मकसद कुछ अलग है। आज हम पाकिस्तान के नेशनल डे पे 23 मार्च पे वीडियो बनाने जा रहे हैं और देखते हैं कि मकान सॉल्यूशन की टीम को 23 मार्च के बारे में कितना नॉलेज है। चलें आ जाएं। आज मकान सॉल्यूशन में सब कुछ ग्रीन और वाइट है, बिल्कुल इसी तरह देखें हमारे वहाब भाई, ये तो और ज़्यादा ग्रीन और वाइट होकर आए हैं और ये वैसे ही बहुत वाइट है माशाल्लाह। अब हम वहाब से बात करते हैं, देखते हैं कि इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कितना पता है। कैसे हैं वहाब आप? ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को कायद अजम पैदा हुए थे। पैदा हुए थे कहाँ पर? पैदा हुए ये कराची में। कहाँ पर? कराची में। मकान सॉल्यूशन के एक और जगमगाते हुए सितारे की तरह। माशाल्लाह मुजम्मिल, हम आपको देख रहे हैं, आप काफी देर से, ये सब आपने मेरे ख्याल से गुब्बारों में सबने आपने ही हवा भरी है। थोड़ा सा हौसला कर लें, थोड़ी सांस ले लें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 23 मार्च वाले दिन क्या हुआ था? उमर लियाकत ने शादी किया था। अच्छा, मुझे आप बताएं कि कायद आजम और मोदी के बीच में कौन सा मुआहिदा हुआ? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मिस्टर का सुबह 10 बजे से ऑफिस में है और ये सारा डिकोर भी उन्होंने किया है, तो माशाल्लाह केक भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा केक है जो मिस्टर का ने अरेंज किया है और ये डेकोरेशन भी सारी मिस्टर का ने की है, तो उम्मीद है इनको हिस्ट्री के बारे में भी सब नॉलेज होगा। कितने फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक में? 1.7 मिलियन। क्या करते हैं इतने फॉलोअर्स का? अचार डाल दिया। लड़की मार्च को क्या हुआ था? हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ था। जंग हुई थी 23 मार्च को। जंग फिर सोच के बताएं। हाँ, जंग ही हुई थी, पक्का है, मैंने पढ़ा था। अच्छा, और मीनारे पाकिस्तान किसने बनाया था? मजदूरों ने। मजदूरों ने, ये मिर्ज़ा कह रही है मीनारे पाकिस्तान मजदूरों ने बनाया था, बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हम बात करते हैं मकान सॉल्यूशन के एक ख़ास शाहकार अली से, तो जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में डबल सवारी की वजह से काफ़ी फेमस हुए थे। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अली कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने सुना है आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आप प्रॉपर जो है वो लेक्चर भी देते रहे हैं इसमें। जी जी बिल्कुल ठीक है माशा। अच्छा, आप मुझे बताएंगे 14 अगस्त को क्या हुआ? यार 14 अगस्त को हमारा वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे है। हम मुसलमानों को मनानी चाहिए। अच्छा, आपको पता है आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? हम क्यों वीडियो बना रहे हैं? मुझे आपको मकसद दिया ये कि 23 मार्च के लिए आप वीडियो बना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 मार्च। 23 मार्च को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वैसे मेरे ख्याल से मुझे आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए, कि मुझे नहीं लगता आपको भी नॉलेज होगा। नहीं नहीं, आप पूछे सवाल, मेरे पास सारी नॉलेज है। हां सोचते हैं, अगर आपको जवाब ना आया तो? जवाब ना आया तो ट्रीट देंगे हम आपको। 23 मार्च को क्या हुआ? इलामा इकबाल ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। आपसे मेरा छोटा सा मासूमाना ये सवाल है कि उस मीनारे पाकिस्तान की टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट उसकी 65 फीट है। एंड जो टोटल हाइट है, कहाँ देखा है ये? आप गूगल करने आपको मिल जाएगी। नहीं, ये आपने गलत देखा है। नहीं, सही बता रहा हूँ। ये आपने बहुत गलत देखा है। उसकी टोटल हाइट है 70 मीटर यानी 230 फीट। अब आपने 65 मीटर, आपने शायद वो छोटे वाले मॉडल मीनारे पाकिस्तान का, मैंने शायद ये बैरियर टाउन वाला देखा। ये हम पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत है कि हमें अपने किसी नेशनल डे की हिस्ट्री के बारे में पता हो या ना हो, पर हम अपना हर नेशनल डे बहुत जोश और खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं उन अजीम हस्तियों को जिनकी अनथक मेहनत की वजह से आज हम एक आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। हम अज़्म के पुख्ता हैं, पस्ती को मिटा देंगे,
तख्ते मुअल्ला पर मिल्लत को बिठा देंगे, खुद मंजिल मकसद भी चूमेगी कदम अपने, जब राहत मंजिल से हम हाथ उठा देंगे। अब परचमे पाकिस्तान लहराएगा दुनिया में, हर अहले कदूरत को हम पाक बना देंगे। इंसाफ व अखुवत का अब हाथ में खंजर है, हर जुल्म के बानी को दुनिया से मिटा देंगे। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। हैप्पी रेजोल्यूशन डे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।